Hi students, so I hope that all of you are doing well. बच्चों मुझे काफी टाइम से आपके पेरेंट्स एज वेल एज काफी बच्चों के भी कॉल आ रहे थे कि सर आप हमेशा 11th और 12th और IIT नीट के क्वेश्चंस लेके आते हैं, आप क्लास 10th की भी कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस लीजिए। तो उसी संदर्भ में मैं आप लोगों को कहूंगा कि रिलेटेड टू दैट आज मैं आप लोगों के सामने 10th क्लास की कुछ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने वाले कुछ बेसिक पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग कई चीजें जो है वो पढ़ लेते हैं पर हमारे कंसेप्ट के कारण जो हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको दिक्कत आती है। तो इसके लिए आज जो मैं आपके लिए क्लासेस लेके आया हूँ वो कंसेप्ट बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और इससे आपके आने वाले जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप जाते हो तो वो बहुत इजीली आप उनको सॉल्व कर पाते हो। तो शुरू करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज क्या है कंसेप्ट बिल्डिंग का। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वी आर गिवन अ कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ क्राउन ग्लास। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.52. Now the question is, how can we use the convex lens as diverging and the concave lens as converging lens? तो question बड़ा interesting है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे ये पूछा गया है बच्चों कि convex lens, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है। अभी तक हम सभी ये कहते हुए आए कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या हम कॉन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग लेंस के रूप में यूज कर सकते हैं क्या? क्या वेदर वी कैन यूज कॉन्वेक्स लेंस इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्जिंग लेंस? कैन वी डू दैट? The answer is yes. है ना amazing? तो चलो देखते हैं कैसे। तो ये आपके concept का part one। देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा बच्चों कि convex lens जो होता है converging क्यों होता है। जब हम ये समझ जाएंगे कि convex lens converging क्यों होता है तो हमें यह भी मालूम पड़ जाएगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो है डाइवर्जिंग हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके, तो अभी तक आप लोग इसके लिए अभी हम एक कॉन्वेक्स लेंस को बना लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस आप लोगों ने देखा किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है, इधर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो लेट अस से इसका कोई सेंटर है और ये एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, और ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ, और यहां पर है आपका फोकस और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इस जगह पे है आपका फोकस और यहां है आपका कर्वेचर। अब आप सभी लोगों को ये पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में जब पैरेलल रेज आती हैं, जब पैरेलल रेज आती हैं तो वो बैंड करती हैं टुवर्ड्स फोकस, फोकस से पास हो जाती है ना? इसी तरीके से ये फोकस से पास हो जा रही है। तो इस ये क्योंकि सारी की सारी रेज जो है बैंड होती हैं टुवर्ड्स फोकस, इसलिए इस टाइप के लेंस को हम क्या बोलते हैं? ये कैसा लेंस है? इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। पर बच्चों ये बैंड क्यों हो रही है? तो इसका आंसर है, जिन बच्चों ने रिफ्रेक्शन अच्छे से पढ़ा है वो इसका आंसर दे पाएंगे। रिफ्रेक्शन के लॉस क्या है और रिफ्रेक्शन किस तरीके से होता है वो हमको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कोई भी मीडियम ले रहा हूं। लेट अस से देयर आर टू मीडियम, वन इज एयर एंड अनदर इज ग्लास। तो इस मीडियम में
जब हमारे पास में ये नॉर्मल है ना, ये आपको पता है ये नॉर्मल है, जब हमारे पास में एक रे इस तरीके से आती है तो ये सीधा जाने की जगह, ये सीधा जाने की जगह इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, वेदर इट विल गो लाइक दिस, नो, व्हाई? बिकॉज एयर यू नो इट इज अ लाइटर, जिसको हम बोलते हैं रेरर, क्या बोल दूं मैं इसको, रेरर बोल दूं, और ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो इट स्टार्ट्स बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। यहां पर आपने वापस नॉर्मल बनाया, नॉर्मल मतलब क्या होता है, अ लाइन विच इज 90 डिग्री टू द सरफेस, ये बात क्लियर है। अब इस पॉइंट पर इंसिडेंट रे ये हो गई, अब ये जो है ग्लास फिर वापस यहां एयर है, तो ये एयर इज अगेन व्हाट, इट इज रेरर मीडियम, कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम है, तो इट विल बैंड इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट विल बैंड इन विच डायरेक्शन, अर्लियर इट वॉज बैंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, नाउ इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये जैसे इस तरीके से नहीं जाके ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी इस तरीके से बैठ जाएगी। तो आप देखते हो ये आपकी इंसिडेंट रे थी और ये आपकी इमरजेंट रे थी, ये दोनों क्या है, ये पैरेलल है, ये दोनों रेस क्या है, पैरेलल है, पर ये बैंड बैंडिंग जो है आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये का ये फिनोमिना आप इधर लगाओ, ठीक है, अब आप पूछोगे सर नॉर्मल कैसे बनाऊं, तो नॉर्मल हमेशा याद रखना है कि इन केस ऑफ लेंस द नॉर्मल विल ऑलवेज पास थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये देखिए ये वाली साइड है, इस साइड के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा, पता करने के लिए कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर दो। तो जब आप एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपका इस साइड वाला फोकस काम में आ रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा वाला लोगे, इस साइड, तो ये वाले सरफेस के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कौन सा होता है, दिस वन। इसी तरीके से इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो मैं इसको बोल देता हूं ये मेरी सरफेस वन है, ये सरफेस टू है, सरफेस वन कौन सी, ये जैसे सरफेस वन था ये सरफेस टू था, समझ आ रहा है, ओके। लेट अस से एक लाइन है, एक लाइट है जो कि पैरेलल आ रही है, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल कहां है, तो नॉर्मल आपको है यहां 2f से ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल है आपकी इस तरीके से लाइन जो 2f से पास हो रही है। अब आपको नॉर्मल मालूम पड़ गई, तो ये लाइट रे जो है, अब ये मैंने लिया एयर है और ये है ग्लास, एंड अगेन दिस इज एयर। अब ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट जाने की जगह इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्यों, क्योंकि एयर कौन सा मीडियम है, एयर इज अ रेरर मीडियम, और ग्लास कौन सा मीडियम है, इट इज अ डेंसर मीडियम, इजंट इट। अभी हमने देखा था ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना था, 1.52, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.0003, तो ये लाइटर है ना, यहां रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो जब भी आपका रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल ये है, तो ये ऐसे जाने की जगह नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी, तो ये किस तरीके से जाएगी, इस तरफ, ये नॉर्मल है इसकी तरफ बैंड कर गई, यूं जाने की जगह थोड़ा सा बैंड कर गई, इस पॉइंट पे पहुंच गई, यहां तक क्लियर है। इस पॉइंट पे सरफेस नंबर टू, सरफेस नंबर टू के लिए, अभी ये सरफेस नंबर वन के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, सरफेस टू के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा, ये होगा, ये सरफेस टू के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले हम नॉर्मल बना लें, ये हो गई नॉर्मल। अब ये जो रे है, ये जो रे है ये ऐसे जाने की जगह, देखिए ये स्ट्रेट जाने की जगह
अब ये डेंसर से एयर की तरफ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल कौन सी है? ये। और रे कौन सी है? ये। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब है इससे और डिस्टेंस दूर कर लेगी, तो ये किस तरीके से जाएगी? ये इस तरीके से चली जाती है। ये बात समझ आएगी आपको। यही कारण है कि जो पैरेलल रे है वो फोकस पे मीट करती है, ये कारण है कि ये फोकस पे मीट करता है। अब आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है कि क्या होगा जब मेरा ये जो लेंस है, ये ग्लास का जो बना हुआ है, पर यहां जो मीडियम है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा हो जाए। यानी एयर की जगह सपोज आपने लिया CS2, दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1.63। कितना होता है? 1.63। तो ये किससे ज्यादा है? ग्लास से ज्यादा है। ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना था? 1.52। तो अब ग्लास के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा? अब मैं इस एयर की जगह पे कौन सा मीडियम ले रहा हूं? कार्बन डाइसल्फाइड ले रहा हूं एग्जाम्पल। तो हम देखते हैं क्या होता है। ओके सो बच्चों, इसके पढ़ने के बाद जो आपके कंसेप्ट जो है वो एकदम अच्छे से निखर जाएंगे। तो देखिए, फिर उसके बाद आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है? वैसे भी आपको कौन बेवकूफ बना सकता है। चलिए ओके, तो इधर हम देखें, ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, राइट? यहां पर है मेरा फोकस, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस टू एंड देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो है ये क्या है? ग्लास है। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.52। अभी मैंने यहां क्या ले लिया? अब मैंने जो मीडियम लिया है वो लिया है CS2। CS2 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.63। अब देखते हैं। तो मैंने ये लाइट इस पे फॉल करवाई, पैरेलल लाइट, ठीक है? अगेन इस वाली सरफेस के लिए फर्स्ट सरफेस ये है, सेकंड सरफेस ये वाला पॉइंट है। अब नॉर्मल कौन सी है इस पॉइंट पे? नॉर्मल कौन सा होगा? ये 2F। तो आप यहां से इसको इससे भेज दीजिए। ऑलराइट बच्चों, ये जो क्लासेस हैं ये आपके काम में आएंगी। IIT नीट फाउंडेशन के तौर पे मैं इन क्लासेस को चलाऊंगा, जिससे कि आपके कंसेप्ट बिल्ड हो और आगे जाके आप IIT के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। तो अभी 9-10 से हमको स्टार्ट कर देना है। तो जिन बच्चों का ड्रीम है कि आगे जाके मैं डॉक्टर बनूंगा, नीट का एग्जाम दूंगा, या फिर मैं IIT में इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो उनके लिए क्लासेस काफी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा बहुत सारे जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देंगे उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये मेरी नॉर्मल है। तो अब ये रे पैरेलल आ रही है, ये जो रे है ये पैरेलल आ रही थी, अब स्ट्रेट जाना है, पर क्योंकि ये मीडियम जो है ये अब रेयरर हो जाता है और ये मेरा डेंसर मीडियम है, तो डेंसर से रेयरर की तरफ जब भी जाता है, यहां देखा था हमने यूं ये इस तरीके से नीचे आ रहा था और फिर यहां से यूं, तो डेंसर से रेयरर की तरफ जब भी आता है हमारा नॉर्मल से दूर जाता है, नॉर्मल से दूर जाती है रे। तो नॉर्मल कहां है? नॉर्मल है ये। तो ओरिजिनली ये ट्रैक था, अब इससे दूर भेजना है, तो दूर कैसे भेजूंगा मैं इसको? यू कर दूं। ओके सो मैंने इसको कर दिया, सपोज करो इस तरीके से, ऑलराइट? तो ये इससे दूर होगी। अब इसी तरीके से इस पॉइंट के लिए नॉर्मल कौन सा है? ये पॉइंट, इनको मीट करवा दीजिए। तो यूं आया है, और ओरिजिनली आपकी रे कैसे जा रही है? इसको हटा देते हैं।
ओरिजिनली रे जा रही है इस तरीके से। अब आपके लिए कहां से कहां जा रहा है, रेरर से डेंसर की तरफ जा रहा है। तो रेरर से डेंसर की तरफ जब भी जाते हैं इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल कौन सी है, नॉर्मल ये है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी इसके बीच में। तो अभी मैंने क्या देखा, ये पिछले वाले केस के अंदर दे वर बेंडिंग टुवर्ड्स द फोकस, नाउ इट इज गोइंग अवे। सिमिलरली अगर यहां से एक रे आ रही होती इस तरीके से, अगर यहां से रे आ रही होती तो ये इस तरीके से जाती। तो लेंस तो हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, पर अब क्या किस तरीके से बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए बच्चों ये डिपेंड करता है डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग बनाने के लिए कि मीडियम कौन सा यूज हो रहा है। लेंस तो करता ही करता है, लेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके साथ में एक पॉइंट और जो आपको याद रखना है वो है कि मीडियम कौन सा है। अगर मेरा जो मीडियम है, ये जो मीडियम है, ये मीडियम डेंसर से रेरर की तरफ जा रहा हो और रेरर से डेंसर की तरफ निकल रहा हो, तो उस केस में मेरा कॉन्वेक्स लेंस कैसा एक्ट करता है, डाइवर्जिंग एक्ट करता है। नई बात है ना, अभी तक हम लोगों को नहीं मालूम थी, पर आज के बाद आप याद रखोगे कि जब भी, अभी कौन सा मोड चला, डी आर डी यानी डेंसर से रेरर और रेरर से डेंसर की तरफ जब भी रेस निकलती हैं, उस केस में कॉन्वेक्स लेंस कैसा बन जाता है, डाइवर्जिंग बन जाता है। इससे पहले वाला केस कैसा था, रेरर से, अभी हमने जब ये वाला रे देखा था, ये वाला कौन सा वाला था, ये एयर थी, ये ग्लास था, ये क्या था, एयर। तो जब भी रेरर से डेंसर और डेंसर से रेरर में रे चलती है, उस केस में कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहेगा आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखना 99% केस हम ये वाले देखते हैं, कितने परसेंट, 99% केसेस में। इसीलिए हम बोल देते हैं कि हमेशा जब हम यूजेस पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर यूजेस कहां आते हैं, हम लोग जब डेली लाइफ में यूज करते हैं तो हम क्या कार्बन डाइसल्फाइड लेके घूमते हैं, नहीं घूमते, क्या लेके घूमते हैं, एयर, विच इज एवरीवेयर। तो व्हेन एयर इज एवरीवेयर, सो मीडियम हमेशा कैसा मिलता है हमको, प्रैक्टिकल यूज के लिए कैसा मिलता है, आरडीआर। क्यों मिलता है, क्योंकि एयर इज एवरीवेयर। अब मैं जो लेंस लेके आऊंगा वो एयर से तो डेंसर होगा ही होगा, इसीलिए हम यूजेस पढ़ते वक्त हमेशा कन्वर्जिंग बोलते हैं, किसको, इस कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन वो 1% वाला जो केस है ये हमने आज पढ़ा है, और ये 1% ही है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम करते हैं। तो अब आपको याद रहेगा, ओके। इसी तरह हम केस पढ़ लेते हैं कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस, सबसे पहले हम नॉर्मल देखते हैं ना, कौन सा केस, एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर, यानी यहां रेरर से डेंसर और फिर वापस रेरर। तो रेरर में कौन सी ली मैंने, एयर, डेंसर के लिए आपका कौन सा मीडियम है, ग्लास, और वापस बाहर किस में आ रहा है, एयर में आ रहा है। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर लिया आपने, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और यहां आपका है फोकस, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली फोकस टू और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑलराइट। तो ये तो बहुत सिंपल सा केस है, लेकिन इसमें जो बात आपको समझनी है वो ये है कि अब इस वाली सरफेस के लिए सर्कल कहां कंप्लीट हो रहा है, ये, तो इस पॉइंट वन के लिए यानी ये फर्स्ट सरफेस के लिए ये वाला आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसी तरीके से सरफेस टू के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है, ये आपका सर्कल यू कंप्लीट हुआ ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा,
ये वाला होगा, याद रहेगा। ओके, इस फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पर सबसे पहले मैं नॉर्मल बना दूं, तो नॉर्मल क्या है, अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यूं है। अब ये तो है मेरी नॉर्मल, मेरी रे किस तरह से आ रही है, इस तरीके से आ रही है। तो जब भी रेरर से डेंसर की तरफ हम जाते हैं तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी इन दोनों के बीच में इस तरीके से जाएगी, ऐसे जा रही थी, ऐसे नहीं जा रही, अब कैसे जाएगी, यू। अब इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर नॉर्मल कौन सा होगा, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, जो मेरी ये रे है आप ऐसे जा रही है, अब ये ऐसे जाने की जगह डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है, तो डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है तो इट शुड बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स वॉट, ये नॉर्मल है ऐसे जा रही है तो ऐसे हो जाए, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल में अलग इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से कि भाई इसको जब आप ज्वाइन करो तो फोकस से पास होनी चाहिए, यू चली जाएगी। ये बात समझ आ रही है, यही कारण था सिमिलरली ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये तो मेरे को हमको किस तरीके का लेंस मिला है, हमको एक डाइवर्जिंग लेंस मिला है, क्योंकि रेस कैसी जा रही है, इस तरीके से जा रही है। ये बात समझ आया कैसा हो रहा है, रेरर डेंसर रेरर। जब भी इस तरीके का केस होता है तो मेरा ये जो कॉनकेव लेंस है ये कैसा बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग। 99% वाला केस है, सब जगह ऐसे केस मिलते हैं, क्यों, क्योंकि हमेशा हर जगह क्या है, एयर है, तो कोई भी लेंस उठा के लाऊं उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, ऐसे ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, इसलिए मेरे पास में कैसा मिलेगा, ये डाइवर्जिंग बनेगा। पर हम स्पेशल केस पढ़ लेते हैं इसका, 1% वाला। सपोज करो ये रेरर की जगह अब कैसा हो गया, लेंस मेरा बन चुका है रेरर और मीडियम मेरा हो चुका है डेंसर, ठीक है, इस तरीके का कुछ है। अब ये मेरा रेरर है और यहां मेरे पास में डेंसर है, डेंसर मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया था कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड, और ये ग्लास का है, ओके, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया आपका फोकस, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी तरीके से फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक पैरेलल लाइन, ये जो पैरेलल लाइन है ये है मेरी सरफेस वन सरफेस टू, तो पैरेलल लाइन इस सरफेस पे इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, ये रहा, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल किस तरीके के है, नॉर्मल इस तरीके, रे कैसे जा रही है, रे ऐसी जा रही है, पर मीडियम कौन सा है, डेंसर से रेरर। जब भी डेंसर से रेरर की तरफ हमारी लाइट रे जाती है तो इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल ये है, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी नीचे की तरफ आएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समझ आ गया, ओके। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल कहां से जाएगी, नॉर्मल शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रे कैसे जा रही है, ये रे जा रही है इस तरीके से, इस तरीके से। अब इस पॉइंट पर इसको अच्छे से बनाया अपन, ये ऐसे जा रहा है, ओके, इस पॉइंट पर हमारे पास में वापस
क्या आया, ये है नॉर्मल और ये आपकी रे की डायरेक्शन। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेरर से किस जगह पे जा रही है, डेंसर। जब भी रेरर से डेंसर जाएगा इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये जो रे है इन दोनों के बीच से, तो इन दोनों के बीच से यानी कौन से, इस तरीके से ही चली जाएगी। तो आपने ये देखा कि अगर नीचे से अगर ये रे आ रही होती पैरेलल तो वो भी किस तरीके से जा रही होती, यूं और यूं। तो अमेजिंग थिंग क्या है, अमेजिंग थिंग इज दैट व्हेन द सिचुएशन इज डीआरडी, डीआरडी मींस डेंसर टू रेरर एंड देन रेरर टू डेंसर, इवन दिस लेंस इज व्हाट, इट इज योर कॉनकेव लेंस, बट हाउ इट इज बिहेविंग, इट इज बिहेविंग लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस, इट इज बिहेविंग लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस। व्हेन द सिचुएशन वॉज आर डी आर, रेरर टू डेंसर टू रेरर, एट दैट टाइम माई कॉन्केव लेंस, जो 99% वाला केस बताया मैंने आपको, इस केस में ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो बच्चों आज एक इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी है, वो ये है कि मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है किसी पर्टिकुलर लेंस का कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में होना, क्योंकि हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस ये 99% ब्रैकेट में फॉल हो रहे हैं, इसीलिए आप सारे क्वेश्चन डाइवर्जिंग लेकर के चलते हो और सॉल्व करते हो। पर अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया है जहां लेंस जो है वो रेरर है एज कंपेयर टू द मीडियम, एज कंपेयर टू द मीडियम, इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर इनका नेचर अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? सो अब मैं ब्रीफ कर दूं इसको, इन टोटल यू कैन ब्रीफ, छोटे वर्ड्स में मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। कैसे एक्सप्लेन करें, ऐसे व्हेनेवर द मीडियम, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, सपोज करो मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय n1 और लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है n2, व्हेनेवर n1 मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज लेस देन n2, इन दैट केस एंड व्हेनेवर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज मोर देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, सो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स फर्स्ट केस है, n1 इज लेस देन n2, यानी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज लेस देन n2, इट मींस व्हाट, रेरर डेंसर रेरर। तो रेरर डेंसर रेरर का मतलब क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, कॉन्वेक्स लेंस कैसा बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग बिहेव करेगा, कन्वर्ज कर रहा है एक जगह पे, तो इट एक्ट्स एज ए कन्वर्जिंग लेंस, कैसा बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग। पर अगर डीआरडी वाली सिचुएशन आएगी तो उस केस में ये कैसा बिहेव करेगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ आ रहा है क्या? तो इस केस में मेरा कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है। ऑलराइट, सिमिलरली इन द फर्स्ट केस दैट इज n1 इज लेस देन n2, इन दैट केस जो कॉनकेव लेंस है आपका, कॉनकेव लेंस वो कैसा बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ डाइवर्जिंग, इस तरीके से आएगा। तो ये कैसा है, डाइवर्जिंग है। लेकिन अगर सिचुएशन उल्टी हो गई, यानी n1 इज ग्रेटर देन n2, ये 1% वाला केस याद है ना, 1% 99%, ओके। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास में सिचुएशन कैसी बनेगी, इस तरीके से, तो ये कन्वर्जिंग बन जाएगा। समझ आ रहा है, कन्वर्जिंग।
that acts as a converging lens. तो बच्चों मजा आया? तो ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं लेके आता रहूंगा आपके लिए, और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आगे जब जाके हम लोग मेजर क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, तो उस समय ये हमारे बहुत काम में आते हैं। तो मेरे साथ में बने रहिए और बहुत जल्द हम मिलते हैं।